हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ स्वाति एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है संडे और अभी शाम के 5 बजे हैं। एक्चुअली मुझे ये वीडियो 4 बजे ही शुरू करना था, लेकिन संडे के दिन दोपहर में थोड़ा सा मैं सो लेती हूँ, लेकिन आज बहुत देर तक सोई मैं, क्योंकि आज मैंने सुबह सुबह नॉनवेज बनाया था। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। अगर आप भी नॉन वेजिटेरियन हैं तो वो भी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं नॉन वेजिटेरियन रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर सकूं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और सामने जो बेल आइकन है उसे भी आप क्लिक कर लें, ताकि मेरे अगले आने वाले जो वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। उठते ही सबसे पहले फ्रेश होकर मैं लैपटॉप लेके बैठी हूँ और आप लोगों के कमेंट पढ़ रही हूँ, उनके जवाब दे रही हूँ। सच में आपके कमेंट्स इतने पॉजिटिव एनर्जी देते हैं मुझे। मैं हमेशा मोटिवेट होती हूँ और मैं हमेशा सोचती हूँ कि चाहे कितनी भी बिजी हो जाऊँ मैं आगे फ्यूचर में अपने लाइफ में, मैं यूट्यूब कभी नहीं छोड़ूंगी। और ये है मेरे दोपहर के बर्तन, जिन्हें मैंने लंच के बाद ही धोकर रख दिया था सूखने के लिए, और ये अब अच्छे से सूख गए हैं, तो मैं इन्हें अपने अपने प्लेसेस पर अरेंज करके रखूंगी। तो मैंने हम दोनों के लिए चाय रख दी है। हम दोनों भी नींद के बहुत शौकीन हैं। मुझे याद है जब मैं डिग्री की पढ़ाई करती थी तो तब सिर्फ 45 मिनट्स का ब्रेक रहता था लंच के लिए, तो उसमें से 15 मिनट में ही मैं अपना लंच ख़त्म कर देती थी, ताकि मैं एटलीस्ट आराम से 20-25 मिनट्स सो सकूं। लेकिन जब जिम्मेदारियां आती है तो हमें हमारे परिवार से दूर शहर में रहकर सब कुछ खुद अकेले ही संभालना पड़ता है, मैनेज करना होता है, तो ये सारी आदतें अपने आप ही छूट जाती हैं। सो अब हमारी चाय तैयार है और हम आराम से चाय एंजॉय करेंगे। चाय के साथ खाने के लिए मैं ये नमकीन भी बना रही हूँ। एक्चुअली मुझे ये चाय बनाने से पहले ही बनानी थी, लेकिन बहुत देर हो गई, चाय का टाइम भी हो गया था, तो मैंने पहले चाय बना ली और इसे मैं अब बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है 2 से 2.5 कप मैदा, और इसमें मैं डालूँगी नमक, जीरा, हींग, कसूरी मेथी, और यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने 2 से 2.5 चम्मच तेल गरम कर लिया है। इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा घी, और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इस तेल को इसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका एक टाइट डो बनाना है। ज़्यादा टाइट भी नहीं बनाना और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं बनाना है। तो अब डो बनकर तैयार है, और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है, क्योंकि इस डो की मैं रोटियाँ बनाऊँगी और इसे मनचाहे शेप में कट करके मैं इस ऑयल में फ्राई करूँगी।
यहाँ पे मैंने गोल शेप में रोटियों को कट किया है। और अब ऑयल हमारा गरम हो गया है तो इसमें मैं ये कट किए हुए पीसेस को फ्राई करूंगी। और यहाँ पे ध्यान रहे कि आपका जो गैस है वो बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे होना चाहिए। मीडियम गैस के ऊपर ही हमें इसे फ्राई करना है और इसे तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। ये देखिए इस तरह से हमें लाइट ब्राउन कलर होने तक इसे फ्राई करना है। और अब इसी तरह से मैं बाकी की रोटियां भी बेलकर उन्हें अलग अलग शेप में कट करके फ्राई कर लूंगी। यहाँ पे मैंने राउंड और स्क्वायर शेप में रोटियों को कट किया है। आप जैसा चाहे वैसे शेप में कट करके इसे फ्राई कर सकती है। इसे मैं हफ्ते भर के लिए स्टोर करके रख सकती हूँ। और अभय का काम जो रहता है वो शिफ्ट में रहता है, तो जब वो फर्स्ट शिफ्ट से लौट कर आते हैं तो मैं घर पर नहीं रहती हूँ। सो मैं उनके चाय और नाश्ते के लिए ही संडे को कुछ ना कुछ बनाकर रख देती हूँ। तो आज मैं ये नमकीन बना रही हूँ और ये बहुत ही आसान है बनाना, इसके लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूर बनाइए और अपनी फैमिली को खुश कीजिए। तो ये मेरा स्नैक्स रेसिपी बिल्कुल तैयार है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को तो ये बहुत पसंद आएगी, इसे आप चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। ट्रैवलिंग में तो ये छोटी छोटी भूख को भगाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है और इसे बनाकर आप अपने गेस्ट को भी खुश कर सकते हैं। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फैमिली को खुश कीजिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।